हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5.18 वर्क पावर एनर्जी का एनसीईआरटी का हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, द बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 मीटर, व्हाट इज द स्पीड विद विच द बॉब अराइव्स एट द लोअर मोस्ट पॉइंट गिवन दैट इट डिसिपेट 5% ऑफ इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। ये कह रहा है कि एक बॉब है वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल है और इसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर है, तो यहाँ से ऐसे घूमता हुआ यहाँ पर आ रहा है वो, ठीक है। लोअर मोस्ट पॉइंट इसका ये हो गया, तो कहता है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर आ रहा है वो, लोअर मोस्ट पॉइंट। हमने इसका बॉब का मास सेलेक्ट कर लिया बच्चों एम है, तो इसकी जो हाइट है वो हमें यहाँ से 1.5 मीटर मिलेगी, है ना। यहाँ से 1.5 मीटर इसकी हाइट होगी यहाँ से, तो इसके पास जो टोटल एनर्जी होगी, अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉब कितनी होगी जब वो, क्योंकि इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है बच्चों, एच है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, एम जी एच। अब ये कह रहा है कि 5% लॉस हो गया, तो अब आफ्टर लॉस ऑफ 5% बची कितनी, 95% लॉस ऑफ 5%। तो जो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास बची वो बची 95% ऑफ एम जी एच। अब जो, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, तो जो एनर्जी से ये आएगा वही एनर्जी हमें इसको देगा, ठीक है। यही तो पूछ रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड विच बॉर, कितनी स्पीड से ये आएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी, जो बची हुई पोटेंशियल एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ये न्यू पोटेंशियल एनर्जी है, इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी 1 नेम दे रहा हूँ, तो 1/2 एम वी स्क्वेयर के इक्वल पुट कर देंगे, तो देखो 1/2 एम वी स्क्वेयर इक्वल्स टू 95% एम जी एंड एच। तो एम से हमारा एम कटेगा, और अगर मैं वी की वैल्यू निकालूं तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 95/100, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर चला जाएगा बच्चों, एंड जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, एच हमें 1.5 दे रखा, और उसका क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 100 का अगर मैं रूट करता हूँ तो 1/10 बाहर आ जाएगा, और अब जो रूट में मेरे पास यहाँ से बचेगा वो चेक कर लेते हैं कि रूट में यहाँ से क्या बचेगा। देखो ये तो 15 हो जाएगा, 15 × 30 यानी 30 × 95 एंड 1/10 यहाँ से आ जाएगा 30 है ये, तो 95 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 15 3 से ये 15 5 15 1 एंड 2850। अगर मैं 2850 का रूट यहाँ से निकाल लेता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 5385 अप्रोक्स, तो 53.85। तो यहाँ से वेलोसिटी जो मुझे मिल जाएगी, 10 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 5.385 के अप्रॉक्स मीटर पर सेकंड हमें इसकी लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मिल जाएगी।